पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद सिद्धू ने कहा कि हर पंजाबी और कांग्रेस वाले को यही कहूंगा कि इस बार वोट पंजाब के लिए डालना, धर्म की स्थापना के लिए डालना। ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है, मैं पंजाब के युवा को सही रास्ते पर लाना चाहता हूं। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज लंबी सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर सीधे सीधे प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दे डाली है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां बादल को हराने आया हूं और मैं उन्हें हरा दूंगा। आपको बता दें कि कैप्टन लंबी के अलावा पटियाला सीट से भी मैदान में हैं। कैप्टन पटियाला से नामांकन कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने भी फाजिलका जिले की जलालाबाद सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। भगवंत मान पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज पंजाब और गोवा के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। दोनों राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी और उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इन दोनों राज्यों में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।